हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ, और वो है हमारे जो कुशन कवर या बेड शीट्स वगैरह होती हैं उनका केस। और घर में भी यूज़ किया जा सकता है, अगर आप बिजनेस पर्पज़ से बनाना चाहें तो उस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका साइज़ लिया है 18x32 इंच का पूरा वन पीस, और ये नॉन वुवन कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर। जैसे कि पैकिंग वगैरह में आते हैं या रेडीमेड जो ख़रीदा जाता है तो वो इसी कपड़े का बनता है, और ये कई क्वालिटी में मिलता है, हल्के से हल्की क्वालिटी में, कम रेट में भी मिलता है, हाई से हाई क्वालिटी में भी मिलता है। और ये नॉन वुमेन जो है, आपको अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप लोगों ने जो अपने लिए कभी रेडीमेड पर्स वगैरह ख़रीदे होंगे तो उसके अंदर जो जालीदार कपड़ा लगा रहता है वो यही नॉन वुमेन होता है, जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। तो उसी तरह से अगर आपके पास नॉन वुमेन नहीं है तो आप कॉटन कपड़े या सिंथेटिक कपड़े जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो 18 इंच का एरिया है, यहाँ पर हम लेंगे ये 5x18 का मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लिया है, और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद इसको हम दूसरी साइड भी जोड़ देंगे। इसको यहाँ पर सिंगल जोड़ने के साथ ही अब जहाँ पर ये हमारी ट्रांसपेरेंट शीट जो आपको दिखाई दे रही होगी, यहीं से हमें इस कपड़े को, जो नीचे वाला हमारा कपड़ा पीस है, वहाँ तक उसी नाप से इसको पकड़ना है, और यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको हम बराबर से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये नीचे चला जाएगा, और अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको करने के बाद यहाँ पर एक हम जिप लगा देंगे 18 इंच की। अब इस जिप को हम दूसरे सिरे पर यहाँ पर लगा देंगे। पूरी जिप खोल करके इसमें फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें एक रनर डालेंगे। तो रनर डालकर पहले हम इसको पूरा जिप को लॉक कर देंगे, और फिर से रनर डाल करके और बीच में रनर को रोक देंगे। इस तरह से करने के बाद अब जिप को हम हल्का सा यहाँ पर जो जिसमें हमने रनर डाला है बस उसको सामने रखते हुए, बाकी फैब्रिक को पीछे रखते हुए साइड से पाइपिंग चढ़ा करके पैक कर देंगे। यहाँ पर लॉक सिस्टम पाइपिंग देंगे। वो लटते हुए यहाँ पर इसमें फिनिशिंग दे देंगे, और इसी तरह से इधर भी पाइपिंग चढ़ा करके इसको फाइनल कर देंगे। ये हमारा केस रेडी हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट आपको अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर नेट का कपड़ा भी लगा सकते हैं, तो वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा जितना कि ये ट्रांसपेरेंट शीट। अब मैं इसमें ये मैंने कुछ कुशन कवर बनाए थे, ये सब ऑर्डर के हैं, तो अब ये पैकिंग में जाएगा क्योंकि उन्हें कहीं गिफ्ट करना है, तो उसी हिसाब से उसकी पैकिंग भी होगी। तो मैं इसमें डाल करके उनको भेज दूंगी। तो
ये देखिए इस तरह से ये इसमें आराम से आ गया। ये पूरे 5 कवर का सेट है। और ये जो कुशन कवर है जो वाइट कलर का आप लोग देख रहे हैं, इसका भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये इस तरह से रेडी हो गया। तो इस तरह से ये 2 सेट मैंने रेडी किए थे। ये देखिए कितने आराम से और कितना खूबसूरती के साथ ये पैकिंग के साथ अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से घर के लिए भी बनाया जा सकता है, अलमारी वगैरह में रखने में आसान रहेगा और अलमारी फैलेगी भी नहीं। अपने लिए भी बना सकते हैं, गिफ्ट के लिए बना सकते हैं, बिजनेस के पर्पस से भी बना सकते हैं। तो आप मुझे, मेरे 3 चैनल हैं, एक नंदिनी क्राफ्ट जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा है स्वदेश नंदिनी जिस पे मैं बैग वगैरह बताती हूँ, तीसरा है आओ कुछ बनाते हैं जो मेरा नया चैनल है, उसमें केवल मैं क्राफ्ट बताती हूँ। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पर और FB पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।